सो हे गाइस, आ चुकी हूँ मैं एक और धमाकेदार वीडियो के साथ। एंड गाइस, ये वीडियो आज कुछ अलग होने वाली है क्योंकि आज हम करने वाले हैं मीम रिव्यू और हमारे साथ है द अजय अरोड़ा। तो आप कुछ बोलना चाहोगे? मैं ये कह रहा हूँ गाइस कि वीडियो शुरू होने से पहले ही वीडियो को लाइक कर दो, ठीक है? क्योंकि ये जो सेकंड पार्ट, फर्स्ट पार्ट तो मेरे चैनल पे आया था, इतने कमेंट आए कि सेकंड पार्ट लेके आओ, सेकंड पार्ट लेके आओ। तो फिर हमने सोचा क्यों ना सेकंड पार्ट इनके चैनल पे लाया जाए। तो प्लीज वीडियो शुरू होने से पहले ही वीडियो को लाइक कर दो, ठीक है? और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो, जल्दी से 100K करवाओ इस चैनल पे, ठीक है? करवाओ जल्दी से, ठीक है? चलो स्टार्ट करते, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, है ना? बिना किसी पक्षचोदी के स्टार्ट कर देते हैं। आपने जी साबुन से नहाते हो या क्रीम का कमाल है? आर यू अ बॉलिंग बॉल? Because you want to put things in my holes, is that what you're going to say? सही है। मतलब इसको सॉरी बोलनी पड़ रही है वो। अच्छा, लड़की ज्यादा तेज निकली। सुनो, फोकस ऑन योर गोल, ठीक है? हाँ ठीक है, आगे देखते हैं। आइए, धड़कन से तेज दो, हो तेरी काली अखियों से जिंद मेरी जागे, धड़कन से। कितना खुश हो गया, देख रहे हैं इसकी खुशी? मैं भी खुश हो गया था। हाँ हाँ, एडिटिंग में पता चलेगा। ओके, हेलो। वेट, सिंग। वेयर आर यू फ्रॉम? इंडिया। सिंग व्हाट यू सिंगिंग? क्या गा रहा था मैं, देख के भूल गया तुम्हें। शर्म आ गई। ओके, सो व्हाट्स योर फ्यूचर प्लान लाइक? फ्यूचर प्लान? व्हाट डू यू थिंक आईड वांट टू डू? आई थिंक यू वांट टू मैरी मी। ओह, ये अच्छा था। It took like 10 seconds to like register. Yeah. Wait, can I have one for you? क्यों नहीं? Yeah, well, yeah. Okay. Cool. Are you a parking ticket? Why? Because you're fine as hell. Oh. Oh. यार कितनी awesome है। ऐसी लड़की तुम्हें भी मिलनी चाहिए, है ना? हाँ यार, पता नहीं कब मिलेगी, जो मेरे पे पिकअप लाइंस मारेगी, मेरे पे। हाँ। So, hey guys. ये गाना मैंने अपने एक्स के लिए लिखा है। आई होप यू गाइस विल लाइक इट। तुम्हारी एक्स के लिए? अरे भाई साहब, मेरी एक्स का नंबर नहीं, मेरा फोन नंबर भेज देता। नहीं यार, मेरे को लगा था मतलब शायद कोई सैड सॉन्ग गाएगा, है ना? नहीं, मुझे यही लगा था कि आजकल ना लोग मतलब एक्स को ऐसे ट्रोल ही करते हैं, सैड सॉन्ग कोई नहीं गाता उनके लिए। नहीं, वो पूरा गिटार लेके बैठा था, मतलब साउंड बजा रहा था, तो मुझे लगा मेरे पास नंबर नहीं है, वरना मैं भेज देता अपनी एक्स को ही। बस पीछे मछली का कलर क्या था? मैं क्यों देखूं मछली, मैं तो वेजिटेरियन हूं। ऐसा ही, बिल्कुल बिल्कुल सही था ये। मैंने भी नहीं देखी सही में मछली, लड़की देखी ना। हाँ, मैंने मछली कौन देखता है। हेलो, ये पूरा क्यों हुआ था? थैंक यू। आर यू इंडियन? वेयर आर यू फ्रॉम? पाकिस्तान। ओके, पाकिस्तान। हिंदी आती है बोलना? जी। अच्छा, मैं एक साउंड प्ले करूंगा, आपको गैस करना है कौन सा साउंड है ये। ओके ओके, और साउंड सुनने के बाद स्किप मत करना, ठीक है? टेल मी व्हिच साउंड इज दिस। प्यारी समझ गई। आपको आपको पता है क्या कौन सा साउंड है? नहीं। अरे यार, अरे कौन है? कौन है? कौन है? ओ भाई, क्यों गिर रहा है ये? आप भी पीने के बाद ऐसे करते हो ना? भाई मैं तो पीती ही नहीं हूँ। तूने क्या मिक्स किया है पांडुरंग? बता तो क्या पी के आया है? टांग मारे कौन है? ओ, 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 ओ,
अब बंद कर दो यार सस्ते नशे, पता है मत किया करो। मैं तो नहीं करती। पहले मेरे पेरेंट्स से बात करो, मैं फिर हाँ बोलूंगी। मैंने वो अपने पेरेंट्स को कल कैफे में बुला लिया मिलने के लिए। A few moments later. अच्छा एक मिनट आप यही वंडर वुमन गीता जी है ना? मैं आपकी वीडियो देखता हूँ डेली, और वो आपकी वीडियो थी ना वही कुंडी लगा लो सही है तुम्हें जन्नत की जाती में। तो वही तो सही चल रहा है आजकल अंकल आंटियों का भी। मतलब यार बेटे का तो मतलब कुछ नहीं है, काफी सेट होने वाला है। हाँ मतलब आजकल अंकल आंटियों का भी सही चल रहा है बिल्कुल। इतने महंगे आप घर में ले देख ले, यही होता है बनियों में पैदा होने का फायदा। अच्छा आंटी दादी में जो पैसा लगता है वो आपने कभी घर में भी नहीं देखा होता है। ये बड़ी अच्छी बात कही आपको, अपनी शादी में पता चलेगा हमारे बाप के पास इतना पैसा था। ये भी ठीक है, क्या सोच है रे तेरी? आप लोग पहले पैसा छुपा के रखते हो शादियों में। हाँ मतलब थोड़ा कम लगाते हैं ये। हाँ, ना मतलब अच्छी जगह पे ज्यादा लगाते हैं अपनी तरफ। हाँ, मतलब इन्वेस्ट करते हैं पैसे, और हम बारों को देखो भाई अपने पैसे आते ऐसे उड़ाते, सॉरी ऐसे उड़ाते हैं। करेला 35 रुपए दे रहा है, मैंने उसको कहा 50 रुपए लगा ले। अरे तो नहीं लगा रहा, मैं लिया नहीं है। अच्छा जो 35 रुपए दे रहा है 50 रुपए लगा ले, समझ नहीं आया तेरा कहने का मतलब? अरे 50 50 होता है ना। हाँ। 35 होता है 85। ये मुझे आप लग रहे हो, ये मुझे आप लग रहे हो। नहीं यार मैं इतना जानती हूँ ठीक है, 35 को 35 बोलते हैं इतना। अच्छा 39 को हिंदी में क्या बोलते हैं? 39। अच्छा चलो ठीक है, पता है थोड़ा बहुत। ठीक है ठीक है, इतना सोच के पता है। चलो आगे। हाँ वही सबर करो। 35 मेरे घर वालों ने बीए करने के लिए मना। फिर क्या सोचा है सफदर ने बनने का लाइफ में? लाइफ में बनने का बिजनेसमैन। बिजनेस कौन सा बिजनेस करोगे? हाँ लड़कियों का। क्या बात इतना छोटा हो गया लड़कियों का बिजनेस करेगा भाई? ये क्या होता है बिजनेस में, होता क्या है ये? पता नहीं, इस बंदे को पता ही नहीं होगा भाई क्या होता है, बट लड़कियों का बिजनेस करना, देखते हैं और क्या बोलेगा। मेकअप पाउडर। अच्छा मैं तो कुछ और ही समझ रहा। क्या बोला था? मेकअप पाउडर मतलब की कॉस्मेटिक का शो। ठीक है समझ गया। कैसे लग रहे थे लोग? ये तुम्हारी गर्लफ्रेंड और तुम। यार आपको हर लड़की में मेरी गर्लफ्रेंड ही क्यों दिखती है? इस लड़के में आपका बॉयफ्रेंड क्यों नहीं दिख रहा आपको? नहीं, और वो मेरी गर्लफ्रेंड नहीं है, ये आपका बॉयफ्रेंड और वो आप। ठीक है। नहीं भाई मैं नहीं हूँ। आपका बॉयफ्रेंड साउथ इंडियन, आपने बताया नहीं। अरे मैं हूँ ही नहीं। चलो तो आप कब जा रहे हो तेलुगु, उधर तमिल कब जा रहे हो आप? मैंने सुना आपकी शादी हो गई साउथ में किसी लड़के से। यार ये क्या निब्बा निब्बी चल रहा है यार ऐसे उंगली पे लेके की मांग भर गया यार। हो गई शादी इनकी, पंडित की जरूरत नहीं पड़ी, सही है पैसे बचाने का नया जो मॉडर्न हो गए आजकल सभी मॉडर्न हो गए। तुम भी ऐसे कर लेना, देखते हैं। ना ना भाई ना, आप खुश हो ना अपने साउथ के बॉयफ्रेंड के साथ? हाँ, मुझे ऐसा क्यों लग नहीं आ आपने बोला वो मैं इन्वेस्ट की बात कर रही थी, मतलब अभी मुझे ऐसा लग रहा है इसमें आगे कुछ होगा, देखते हैं। अरे बस कर, रुलाएगा क्या? मेरे को मरने का ऐसे क्या था ये?
भाई पैर चूरी है उसके, क्यों क्या मजबूरी है दीदी, क्या मजबूरी है। संस्कारी लड़की है ना, हाय के संस्कार दिख रहे हैं, स्कूल में शादी कर रही है वो बिना घर वालों को बताए, और संस्कार है उसके अंदर। नहीं देखो पैर छू, ऐसे संस्कारी लड़की नहीं चाहिए। वो वाली बात सुनी है, भला है बुरा है जैसा भी है, मेरा पति मेरा देवता है। नहीं ऐसी बीवी ला ली जो जो मतलब बाद में पड़ोसी भी बोल रहा है हाँ भाई तो अच्छी लड़की लेके आया, हमें भी सुख हो रहा है ना। ऐसी नहीं चाहिए हमें। वो सोच रही होगी प्यारी सी लाइन बोलेगा या मतलब इम्प्रेस करेगा मुझे लाइक अरे ये इसका, तो इसका मुंह देखो भाई, डरावनी लग रही है यार, कितनी डरावनी लग रही है। नहीं मैं क्या बोलेगी लड़की, ओ हाय भाई साहब, ए भाई हाय हाय, व्हाट्स योर नेम, आई एम केट, दिस इज जूलिया, केट डिफरेंस बिटवीन अ प्रिटी गर्ल एंड अगली गोरिल्ला, द प्रिटी गर्ल ऑलवेज वेयर ब्लैक हुडी एंड द अगली गोरिल्ला ऑलवेज वेयर व्हाइट हुडी। ये भी ठीक है, ये भी ठीक है यार, मतलब बेइज्जती करने के अलग अलग तरीके हैं इसके पास। बाद में तो लड़ाई होगी होगी इन दोनों में, बात करने वाली भाभी वर्ड पर स्किप करके, जैसे आप लड़की लोग करते हो ना ऐसे चोटी पकड़ के। हम नहीं करते ठीक है, हम नहीं चिढ़ते एक दूसरे से। आपने कभी ना कभी तो करी होगी ना स्कूल में चोटी पकड़ के, ऐसे मजाक से हटके बहुत की है चोटी घुमाई ऐसे, चोटी हाँ घुमाई है ना अपनी छत पे एक लड़की की ऐसे करके। सही है, तो इस देख लो ये जो मतलब इतने टाइम से एक था कि लड़कियां चोटी घुमा के लड़ाई करती हैं, क्या आज सच सच है वो बात, ठीक है पता चल गई आप लोगों को। बहुत छोटी थी गाइस, ठीक है देखो छोटा बड़ा मैटर नहीं करता, आप लड़की हो आपने चोटी घुमा के लड़ाई करी ऐसे, फिर तो आपकी भी घूमी होगी चोटी। नहीं मैं मारती थी अपने मतलब बहुत मारती थी। अच्छा सच्ची में, ठीक है ठीक है, आपको देख आपके शरीर को देख के लगता नहीं है, आपकी जो ताकत है ना आप में खली वाली। अरे मोटो से ज्यादा पतले लोगों में फुर्ती होती है एकदम, पता है। ठीक है ठीक है। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया मुड़ी फटी चीन पाके ब्राउन रे बन ला के गली तेरी केड़ी नारे उड़े मरे चला के दूध तक दी भी नहीं। ओहो स्वैग, ओहो ऐसा स्वैग तुम भी दिखाते हो क्या? नहीं मैं नहीं दिखाता। आपको क्या लगता है ये मतलब क्या होने वाला है इधर? ये जो कुछ मतलब ज्यादा ही लाइक ओवर स्मार्ट बनते हैं ना उनके साथ मैंने देखा गलत ही होता है, ठीक है अभी जितनी हवा कर रही है ना। मुझे ऐसा लग रहा है विमन वाला मीम लगाना पड़ेगा शायद आगे, देखते हैं गाइस। ये सही था वैसे बिल्कुल। वो ही नीचे बैठ गया कि ये क्या हो गया भाई। गाइस हम सुबह सुबह आए थे यहाँ पे अपना सनसेट देखने। अच्छा तुम्हारा बाप सनसेट कर रहा है यहाँ पे सुबह सुबह भोसड़ी का। अरे भाई साहब ये सही था। ओह माय गॉड यार, लड़कियां गाली देके जा रही हैं आजकल। रबिया हाँ, लड़के बगैर दाढ़ी वाले अच्छे लगते हैं या दाढ़ी वाले? ऑफ कोर्स दाढ़ी वाले। मैं बताऊं आपको कौन से अच्छे लगते हैं? हाँ देखो मतलब जिसकी बियर्ड होती है अच्छे लगते हैं यार, मतलब एकदम अलग ही लुक आता है उनका, बट जिसकी बियर्ड नहीं होती है वो थोड़े क्यूट हाँ। से भी लगते हैं, मतलब मैं कंफ्यूज्ड हूँ। हाँ ये तो है यस।
मतलब अच्छा दिखना चाहिए इंसान, चाहे बिना बियर्ड के लगे चाहे बियर्ड के लगे, बस। बट अभी सवाल ये है कि दाढ़ी वाले या बिना दाढ़ी वाले, चलो इनका देखते हैं। हाँ, बट ऐसा हो कि आपको दो ऑप्शन दिए जाए चूज करने के लिए, तो आप क्या चूज करोगे ऐसा? तो मैं शायद बियर्ड वाला चूज करूंगी, क्योंकि मेरे साथ जो बैठा है भाई उसकी भी बियर्ड है। अच्छा, मतलब इसलिए बोला ताकि ताकि मुझे बुरा ना लगे, है ना, कि बियर्ड वाले लड़के पसंद है। हाँ, चलो स्टार्ट करते हैं। बगैर दाढ़ी वाले मेरी बहन है, बहनों सलाम। ओ भाई, ये तो गद्दे वाला रोस्ट कर दिया यार, गजब बेइज्जती। यार मतलब दाढ़ी वाले उसके अच्छे लगते हैं, और बिना दाढ़ी वाले बहन बनानी, वाह भाई वाह, बेइज्जती। हाँ, देखो मेरे ग्रुप में तो कोई है नहीं जिसको मैं टैग करूं, क्योंकि अर्चित की भी बियर्ड बहुत अच्छी है, यश की भी बियर्ड बहुत अच्छी है, मेरे ग्रुप में भी नहीं, हम तो तीनों के तीनों। सो होपफुली गाइस आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी, क्योंकि यार इतने तगड़े तगड़े इसके अंदर मीम थे, और हमारे साथ थे अजय अरोड़ा। तो गाइस अगर आपको, क्या बोल रहे हो? तो गाइस अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है, ये वाला कोलैब अच्छा लगा है, जो कि आप लोगों की डिमांड की वजह से आया था, तो जैसे आपने पहले वाले कोलैब को अच्छा प्यार दिखाया था, उससे भी ज्यादा दिखाना, ठीक है? तो इस वीडियो का टारगेट रखते हैं अपन, कितना रखे, 10K लाइक रख दें? हाँ, 10K लाइक्स। तो गाइस 10K लाइक इस वीडियो का टारगेट है, तो प्लीज पूरा कर देना, ठीक है? प्लीज, हाँ गाइस, प्लीज प्लीज पूरा कर देना इसको, और चलो मिलते हैं एक और नई वीडियो में, एंड गाइस बाय बाय।